ये नज़ारा देखो यार कितना प्यारा है, साथ में रिवर है नीचे इस तरफ। थैंक यू को क्या कैसे बोलेंगे कुलभूमि कुलभूमि? थैंक यू सर। ठीक सर। अमेजिंग व्यू वहां से आप देखो, मतलब प्राइसलेस जो हम आंखों से देख पा रहे हैं वो तो हम कैमरे में आपको बयान नहीं कर। एग्जैक्टली इस मंदिर की खास बात है, जैसे कि बहुत पुरानी है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 17th of March और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड वेदर इज़ ऑसम। और हम जा रहे हैं यहाँ से सिसू। सिसू एक टाउन है जो लाहौल वैली में आता है और मनाली से लगभग 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे अटल टनल जिसकी लेंथ है लगभग 9.2 किलोमीटर और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अबोव 10,000 feet। नीचे से नहीं आएंगे तो हमारा भी क्या? अच्छा अच्छा, अभी तो उधर उधर के कह रहे हो ना, महाराष्ट्र में उस तरफ गुजरात साइड। हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में भी कर रहे हैं ना सर, अब दिल्ली वाले भी डर रहे हैं ना। अरे यार नहीं, मैं तो दिल्ली से ही हूँ ना एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि बाहर से वहीं आएंगे ना, सबसे पहले तो वहीं आएंगे लोग, दिल्ली से बैठेंगे ना यहाँ पर। अटल टनल शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है? यहाँ से हो गया जैसे डुंडी से स्टार्ट होगा, ठीक है, आगे स्पीति लॉर्ड में जाके 9 किलोमीटर है। हाँ 9 किलोमीटर है और अटल टनल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी जो होगी 10 किलोमीटर कम में कन्वर्ट होगी। हाँ ज़्यादा प्यार में। और वो जो रास्ता था उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इधर वाले में उतांग में जाते थे ना। हाँ उतांग होकर जाते थे, टाइम लगता था, ट्रैफिक भी होता था, फिर बर्फ से ढका रहता था ना जी। हाँ जी, 6 महीने बंद ही रहता था। ओके okay. इसलिए खोल दिया तो अब 12 मिनट चलता okay, रहेगा okay. ये नज़ारा देखो यार कितना प्यारा है, साथ में रिवर है नीचे इस तरफ और इधर वैली है, पीछे पहाड़ है। अल्टीमेट अच्छा, रोहतांग के लिए इधर से चला जाता है। ओके मिलेंगे फिर आगे 50-60 किलोमीटर आगे जाके। अच्छा वहीं मिलेंगे। भाषा कौन सी बोली जाती है? कुलभी। थैंक यू को क्या कैसे बोलेंगे कुलभूमि कुलभी में? थैंक यू सर। ठीक सर। और अगर मुझे बोलना हो मेरा नाम बलजीत है तो? मेरा नाम बलजीत शाह। अच्छा नाइस। ये गांव है जी, वो लास्ट सोलंग गांव है। हाँ जी, इससे आगे अब गांव नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का कुल्लू का लास्ट गांव। ओके व्यू बहुत ही शानदार है। और अगर आपको लेह मनाली हाईवे करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट सर्किट दिल्ली टू श्रीनगर टू लेह लद्दाख और उसके बाद लेह मनाली हाईवे से आते हुए दिल्ली के बारे में बताया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये सोलंग वैली है, अभी यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, जब स्नोफॉल होता है तो उस टाइम बहुत ही ऑसम व्यू होता है। We are entering in Atal Tunnel. Atal Tunnel पार कर लिया हमने और यहाँ पे तो अलग ही माहौल है। अल्टीमेट किस तरफ है?
सीधे यहाँ पर ना उतरेंगे। अच्छा, और माहौल बना हुआ है पूरा का पूरा, टेम्परेचर है -1°C, धूप भी है और ठंड भी लग रही है, बट एकदम ही मौसम है। अटल टनल पार करके लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आने पे सिसु गांव आता है। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही मतलब अमेजिंग। अटल टनल के बाद तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए वाली चीज थी एकदम ही, मतलब बर्फ ही बर्फ और अमेजिंग व्यू वहां से आप देखो, मतलब प्राइसलेस। जो हम आंखों से देख पा रहे हैं वो तो हम कैमरे में आपको बयान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सही बात है, जो हम लाइव देख पा रहे हैं और जो ठंडी हवाएं हैं वो कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पाएंगी, बट स्टिल विल ट्राई आवर बेस्ट। तो अभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ, नदी का नाम है चंद्र रिवर। नदी के लिए उतरने के लिए वहां से है मेरे हिसाब से, इसीलिए लोग वहां पे। ओहो नाइस, तो ये है नज़ारा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7। ओहो हो, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ का माहौल बना हुआ है ऐसा, यार यहाँ आना तो बनता ही है, आपका मौका लगे तो जरूर आना यहाँ पे और नदी किनारे बैठ जाना। एक अलग ही सादगी सी है, एक अलग ही सुकून है, ये सब पार्किंग एरिया है। और हाँ, अगर आप बस से आओगे तो लगभग 400 रुपये टिकट है, मनाली से आपको बस मिल जाएगी, 10:30 चलती है, नहीं तो आप बाइक पे आ सकते हैं, नहीं तो आप टैक्सी कर सकते हैं, जिसका टैरिफ वेरी करता है सीज़न टू सीज़न। अभी अराउंड 1100-1200 में आपको टैक्सी मिल जाएगी। वो जो आपको घर दिख रहे हैं वो सिसु विलेज है। तो यहाँ से स्टार्ट है, नाइस। तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है, उसमें जिप लाइन है प्लस वीडियो भी बन जाएगी हमारी। तो चलो करते हैं, मैं ऊपर आ जाऊँ। शोल्डर डाउन रखना भाई, उनकी तरफ शोल्डर ऊपर नहीं करना है, शोल्डर मतलब नीचे रखना है, लेट के जाना है। ऐसे कर सकता हूँ, ओह माय गॉड। तो एकदम ही मौसम है, अभी मैं इधर आ गया हूँ, अब इस तरफ जाना है, वहाँ से वापस जाना है, नाइस। तो जो प्लान का सेकंड पार्ट है वापस जाने के लिए, आपका नाम? रमेश। ओके रमेश जी, तो ये कितना मीटर है वहाँ से लेके वहाँ तक? ये हमारा 400 मीटर है। 400 मीटर है, ओके। तो ये व्यास रिवर के क्रॉस करने का है जिप लाइन से, ठीक है जी, चलो
ओके रेडी। हाँ जी रेडी। नीचे बैठो ठीक है, पैर आगे स्ट्रेट और शोल्डर रूल रखना ना, जैसे परे पहुँचेगा तो अपना सब पीछे कर लेना। ओके ओके गो ओके। तो ये था जिपलाइन एक्सपीरियंस, एकदम ही अल्टीमेट नज़ारे था। अल्टीमेट कर देना आपने ना, मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। तो जिपलाइन तो बिल्कुल बनता है और बहुत ही अल्टीमेट था। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? अमेजिंग, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। पता नहीं चला क्या हो गया एकदम से वहाँ से वापस। तो कभी ट्रिप करो, प्लानिंग करो तो जिपलाइन जरूर करना यार। अच्छा तो ये हैं भाई मोनू भाई, ये मनाली में ही हैं, दो साल से पता ही नहीं कि मनाली में है। आज पता चला कि हाँ, एकदम से फेसबुक पे देखा भाई ने फोटो, उसके बाद हाँ व्लॉग है। चलो फॉलो करते हैं। तो ये है हिडिंबा देवी टेंपल। बताओ मंदिर के बारे में कुछ बताओ। इस मंदिर की खास बात है, बेसिकली बहुत पुरानी है ये। जो ये जो देवी है एक्चुअली राक्षस थी, जिनसे शादी की थी भीम ने, उनकी वाइफ है। महाभारत की कथा के अनुसार जो पांडव थे उनमें जो भीम थे उनकी वाइफ का नाम हिडिंबा देवी है। और लकड़ी का बना हुआ पूरा मंदिर? पूरा लकड़ी का बना है और साथ में आगे घटोत्कच टेम्पल भी है। अच्छा हाँ, इनके बेटे का नाम घटोत्कच था। तो शांत जगह है घूमने के लिए, बढ़िया है, स्नो मजा आता है यहाँ पे। दर्शन कर लेते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। बहुत ही प्यारी जगह पे है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और आसपास जो आपको देख रहे होंगे सारे के सारे पाइन के ट्रीज हैं और एकदम शांत जगह पे। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को कभी भी दोबारा से रिनोवेट नहीं किया जाता, जिस तरीके से मंदिर है उसी तरीके से है। और आप देख रहे हो एकदम जो व्यू है एकदम अलग है। इट्स रेनिंग, अभी फिलहाल जा रहे हैं हॉस्टल, बारिश भी तेज हो रही है और बस हॉस्टल पहुंचने वाले हैं। टेम्पल 0.15 किलोमीटर। तो फाइनली हम मनु टेम्पल आ गए हैं। मनु टेम्पल महर्षि मनु जी के नाम से है, जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र थे। तो चलो दर्शन करते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और मनु टेंपल जो है ओल्ड मनाली में है, तो आप कभी मनाली आइए तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं हूँ माल रोड पे। तो ये थी मनाली की ट्रिप,
और अब यहाँ से मैं जाऊँगा कल तोश। बाजी थोड़ा सा बताइए मंदिर के बारे में जी। मंदिर, ये मंदिर हमारा परशुराम जमदग्नी जी का मंदिर है। हाँ जी, हाँ, थोड़ी देर में यही विश्राम करूँगा। अरे यहाँ से कहाँ जाऊँ, अरे 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 मुश्किल हो गया रे। तो आप ऊपर ही रहते हैं गाँव में? अच्छा, थैंक यू, आपने बता दिया तो मैं आगे जाने वाला था। हाँ जी, हाँ जी भाई, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। पर अब जी लगता नहीं इस नकली शहर पर, कुछ हिसाब अभी बाकी है। मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैं अच्छी लग रही है। थैंक यू, थैंक यू।